और वहाँ पर उन्होंने धरना देना शुरू कर दिया है, पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया है, कह रहे हैं मिलने नहीं दिया जा रहा दबाव में। अब आगे क्या होगा ये तो खुदा जाने, माचिस को भेजा है आग बुझाने। मिस्टर बंटाधार एक पॉलिटिकल पाखंड और करने के लिए गए, ऐसा नहीं पहला है, इसी 15 दिन के अंदर, हफ्ते के अंदर ये दूसरा है। वो गुड़गांव भी गए थे और गुड़गांव में उनने विधायकों से कहा कि आइए, गेट के बाहर धरना दिया, वो आए, माननीय बिसाउला जी आए, माननीय अदल सिंह जी आए, माननीय संजीव सिंह जी आए, माननीय शुक्ला जी आए, और आके उनने यहां बयान दिया कि हमें किसी ने नहीं बंधक बनाया, ना हमें किसी ने रोका, ना हॉर्स ट्रेडिंग हुई, और वो फिर चले गए चारों के चारों, चले भी गए इनके पास। मतलब ये एक पाखंड करते हैं। बेंगलुरु में विधायक इनसे मिलना नहीं चाहते, ये क्यों मिलना चाहते हैं? वो विधायक इनके मुख्यमंत्री के खिलाफ बोल चुके, वो विधायक इस सरकार के खिलाफ बोल चुके। कांग्रेस का संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास तो रहा नहीं, महामहिम राज्यपाल दो दो बार कह चुके, लेकिन दोनों बार इन्होंने कुर्सी की लोलुपता, सत्ता की लोलुपता ने इनको लगभग दिशा विहीन कर दिया है। मिस्टर बंटाधार खत्म करके ही कांग्रेस को मानेंगे, पहले हटे थे तो 15 साल हम रहे और अब ये गए तो 20 साल तो इनको विचार ही नहीं करना चाहिए, पीढ़ी बदल जाएगी। ये स्थिति मध्य प्रदेश की है, संवैधानिक संस्थाओं का अनादर करना, विधानसभा का भी उपयोग उसके लिए करने की कोशिश करना, जो चिंतनीय भी है और निंदनीय भी है। सरकार अपना बहुमत खो चुकी है, अब इसके पास कोई चारा बचा नहीं।